जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदू माह पौष मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, पौष मास का महत्व, इस महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए और इस महीने कौन से व्रत और त्योहार आते हैं, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पौष मास 27 दिसंबर 2023 बुधवार से प्रारंभ होकर 25 जनवरी 2024 गुरुवार को समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां माह है। इस महीने में पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण इस महीने को पौष का महीना कहते हैं। स्नान दान पूर्णिमा पर अगहन मास समाप्त होकर पौष मास प्रारंभ होता है। पौष मास में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य के तेज और देव गुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से समृद्धि देने वाला है। कुछ पुराणों में पौष मास की प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देने की भी मान्यता है। इस मास प्रत्येक रविवार व्रत व उपवास रखने और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान सूर्य देव का पूजन का विशेष महत्व है। सूर्य के साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है तथा उपवास रखा जाता है। अब मैं आप लोगों को पौष मास के व्रत और त्योहार के बारे में बता रही हूँ। पौष माह में ही धनु संक्रांति होती है। सूर्य के धनु में जाने से खरमास प्रारंभ होता है। खरमास में सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खरमास का महीना चल रहा है, इस माह में पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। इसी माह में सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौष माह की अमावस्या और पूर्णिमा का भी धार्मिक महत्व है। पौष पूर्णिमा का दिन धार्मिक कार्यों, भजन कीर्तन आदि के साथ स्नान दान आदि के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा का उपवास रखने की भी धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है। इस माह में लोहड़ी उत्सव, मकर संक्रांति, पोंगल, शाकंभरी यात्रा प्रारंभ, तिल चौथ व्रत आदि प्रमुख त्योहार रहते हैं। मार्गशीर्ष मास के बाद आने वाले पौष मास का खास महत्व है। यह महीना ऊर्जा और तेज की प्रतीक भगवान सूर्य को समर्पित है। पौष मास का खास महत्व है। पौष मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस मास को पौष मास कहते हैं। इस मास में सूर्य की उपासना करना बेहद शुभ होता है। पौष मास में सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में पिंडदान का विशेष महत्व है। पौष मास में कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको कोई नया काम शुरू करना पड़ा है तो कार्य शुरू होने से पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें बेलपत्र अर्पित करें, बेलपत्र के जड़ और लकड़ी को लाल धागे में बांध कर गले में डाल लें। पौष मास में लाल और पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। गरीब को अरहर की दाल व चावल की बनी खिचड़ी का दान करना चाहिए। पौष मास में देसी घी का दान करना काफी उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करता है उन्हें तेज, बल, बुद्धि, विद्या, यश और धन की प्राप्ति होती है। इस मास में रविवार के दिन उपवास रखने से भक्तों को सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद मिलता है और स्किन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। सूर्य देव को अर्घ देते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। पौष मास में रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ होता है। जल में सिंदूर, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत डाल लें।
पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में नियमित रूप से पूजा करने के साथ गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस माह जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, तिल आदि का मौसम के अनुसार दान करना चाहिए। इस मास में गुड़ का सेवन करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा लौंग, अदरक, अजवाइन जैसी गर्म चीजों का भी सेवन करना चाहिए। पौष मास में मांस मदिरा के अलावा बैंगन, मूली, मसूर की दाल, फूलगोभी, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पौष मास में चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए या बिना नमक के भोजन करना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे उपाय करके पौष मास में आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। मैं अपने अगले वीडियो में सूर्य देव की पूजा आराधना कैसे करते हैं, सूर्य देव को किस समय जल दें, किस प्रकार जल दें, अपने हाथों को कैसे उठाकर जल दें, किस मंत्र का उच्चारण करें, इसके बारे में मैं अपना अगला वीडियो बनाने वाली हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।